हेलो दोस्तों, सो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मस्त वाला मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिसके हेल्प से आप दो डिजिट और तीन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से जस्ट एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड के अंदर में बिना कॉपी पेन का यूज़ किए हुए आप कर सकते हैं। तो जानना है तो चलिए जानते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का भी एक कांस्टेंट है, और वो क्या कांस्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। तो ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वैसे दो डिजिट के मल्टीप्लिकेशन या फिर तीन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकता है, जहाँ पे यूनिट डिजिट का सम जैसे 52 और 58, तो ये हो गया यूनिट डिजिट और ये हो गया टेंथ डिजिट एट टेंथ प्लेस। तो यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम जो होना चाहिए वो हमेशा 10 के इक्वल होना चाहिए, एंड रिमेनिंग डिजिट ऑन टेंथ प्लेस और 100th प्लेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है? मतलब 51 × 59 हम लोग इस ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 45 × 45 इस ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 145 × 145 इस ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 132 × 138 इस ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए करके देखते हैं। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 51 × 59, तो इस ट्रिक के अनुसार हमें यूनिट डिजिट पे जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आ रहा है एज इट इज टू डिजिट के रूप में लिख देना है। मतलब 1 और 9 है तो 1 × 9 कितना होता है? 9 होता है, तो 9 को टू डिजिट के रूप में कैसे लिखेंगे? 09। अब यहाँ पे जो नंबर है उसको एक बढ़ा करके और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 है तो 5 को एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6, एंड 6 × 5 कितना होता है? 30। ये है हमारा 51 × 59 इज 3009, ठीक है? चलिए 49 × 41 करते हैं, तो 9 × 1 कितना हो जाएगा? 9, तो 09 लिखेंगे। 4 क्या हो जाएगा? 5, 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? 98 × 92 करते हैं, तो 8 × 2 कितना हो गया? 16, और 9 को एक बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 × 9 कितना होता है? 90। आसान तरीका है ना। चलिए 112 और 118 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 2 कितना होता है? 16। अब 11 यहाँ पे है तो 11 को एक बढ़ाएंगे तो 12, और 12 × 11 कितना होता है? 132। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 32 × 38। तो करना क्या है, ये तो हमें पता है कि 3 × 4 = 12 हो जाएगा, बस ये देखना है कि ये कितना आ रहा है। तो 8 × 2 = 16 और 4 × 3 = 12, सो 1216 आंसर हो जाएगा। 8 × 2 = 16 एंड 4 × 3 = 12, तो 1216 आंसर हो गया, ठीक है? तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।